त्रिपुरा की जनता हमारी इसका काम चल रहा है और ये जुलाई 23 तक पूरा का पूरा जोधपुर से लेकर फुलेरा का डबलिंग का काम पूरा हो जाएगा। और इसी तरीके से दौसा वाली जो लाइन है, दौसा गंगापुर सिटी, वो 26 किलोमीटर हम इस साल कर लेंगे। केवल एक 8-10 किलोमीटर का ब्लॉक सेक्शन है जिसमें एक टनल का पोर्शन रह गया है, उसको हम जुलाई अगस्त 23 तक पूरा कर लेंगे। और जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जिसमें हम लोगों को इस साल बात हो रही थी गेज कन्वर्जन का, ये जो मावली से लेके देवगढ़ वाला सेक्शन है नाथद्वारा से, इसका वर्क ये स्वीकृत हो गया है देवगढ़ तक के लिए और इस साल इसमें अलॉटमेंट 20 करोड़ का दिया गया है। इसके अलावा जो एक और वर्क है जो आ गया है वो सवाई माधोपुर बाईपास है, इसका भी आ गया है, इसमें भी 5 करोड़ का लोकेशन दिया गया है। और एक सवाई माधोपुर जयपुर का भी जो डबलिंग का कार्य है सवाई माधोपुर जयपुर का, ये भी पिंक बुक में अपियर किया है, इस साल अभी किया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे इम्पोर्टेंट न्यू लाइन और डबलिंग के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हर प्रोजेक्ट में कितना कितना फंड दिया गया है, वो CPRO आपके मतलब आपसे अभी शेयर करेंगे। और एक जो टॉयलेट इसमें जो प्लान है 42 है, जिसमें कि हम लोग मेंटेनेंस ऑफ कोच एंड फैसिलिटीज का रहता है, इसमें एक तो ये जयपुर वाली जो वंदे भारत के लिए है, इसका 30 करोड़ का वर्क स्वीकृत हो गया है, अभी कल परसों इसकी भी सैंक्शन हो गई है 30 करोड़ का, इस पर भी कार्य किया जाएगा। और टोटल जो प्लान है 42 में बजट एलोकेशन है वो करीब PCME साहब वो कितना दुगना है ना लास्ट ईयर के हिसाब से, इट इज ऑलमोस्ट डबल देन द लास्ट ईयर। और इसी हिसाब से आने वाले, इसलिए जो चूंकि ये वर्क स्वीकृत हो गए हैं तो मेमू और वंदे भारत की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं जिसको कि शीघ्र ही चलाने का, उस काम पूरा होने के बाद चलाया जाएगा। ये एक संक्षिप्त में है, बाकी आप लोगों के जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो आप मुझसे पूछ लें और बाकी डिटेल बजट CPRO साहब आपको शेयर कर देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कोई प्रश्न आप इधर से कोई पूछना चाहते हैं, स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन हो, अदरवाइज हम बजट पे ही बात कर लेते हैं। जी जी, बजट पे। सर, बजट के ऊपर सौंदर्यीकरण का तो पूरा ध्यान रखा गया, पर कहीं भी बजट में यात्रियों के लिए कोई बात नहीं की गई, ना ढलाई जो होती है मालगाड़ियों के अंदर, ना उसके भाड़े को बढ़ाया गया है कि घटाया गया है, यात्रियों की टिकट भार बढ़ा है कि घटाया है, ये कोई बात की नहीं गई है। देखिए, अभी ये जो इशू है, ये जो आज हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे हैं, ये बजट के ऊपर ही है क्योंकि अभी बजट ही पेश हुआ है, तो आज की तारीख में जो चर्चा है वो सिर्फ बजट के ऊपर है। जहां तक पैसेंजर अमेनिटीज की सवाल है, पैसेंजर अमेनिटीज में हमने बताया कि 707 करोड़ रुपया दिया गया है, जिसमें बहुत सारे वर्क होते हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म शेल्टर हो या फोटो ब्रिज हो या रैम्प्स हो या दिव्यांगजन लोगों के लिए सुविधाएं हो या स्टेशन रीडेवलपमेंट हो। जो 707 करोड़ रुपया है, जो हमारा 22-23 में जो बजट था इसका, वो 440 करोड़ है, तो 440 करोड़ के अगेंस्ट में इस साल 707 करोड़ दिया गया है, तो एक ये भी एक क्वांटम जंप है। और ये सारी की सारी यात्री सुविधाएं उसी संबंध में, और ये एक अभी पोजीशन निकाली है कि जो एक अम्ब्रेला वर्क सैंक्शन किया गया है 98 से लेकर के 9 तक 8-9 वर्क है फेज 2 स्टेशन डेवलपमेंट के लिए, टोटल 77,500 करोड़ का अम्ब्रेला है ये फॉर ऑल रेलवेज। ये भी हम आपसे शेयर कर लेंगे, हम लोग सारा डाटा कंपाइल कर रहे हैं। पैसेंजर अमेनिटीज के लिए विशेष तौर से ध्यान दिया गया है, यात्री सुविधाओं के लिए विशेष तौर से ध्यान दिया गया है। मालभाड़ा ढुलाई का आज चूंकि विषय नहीं था, हम मालभाड़ा ढुलाई के लिए बता दें कति